यार ये वाला देखो, बाहर से भी खुलनी चालू हो गई है। वॉशर भी लगवाया है, वही आपको नहीं दिखाया। पुराने वाले रिम्स पड़े हुए हैं, इसका क्या होना है, कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है इसकी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अपनी गाड़ी कम्प्लीटली टॉप मॉडल बन चुकी है, सिर्फ एक चीज की कमी है, वो आपको दिख ही रहा होगा, यानी कि अलॉयज की। तो लास्ट वीडियो में ना मैंने आपसे आपके सजेशंस मांगे थे, मैंने आपसे पूछा था कि क्या करना चाहिए, 17 इंच में दोबारा से अलॉयज डलवाने चाहिए या फिर 18 इंच में डलवाने चाहिए, आफ्टर मार्केट डलवाने चाहिए। तो आप लोगों में से ऑलमोस्ट हर किसी का ये कहना था कि 18 इंच वाले डलवा लो, ऑटोमेटिक में जो अलॉयज आते हैं कंपनी वाले, हर कोई वही कमेंट कर रहा है कि वो डलवाओ। अब उसमें भी ना एक छोटी सी चीज मैं सोच रही हूँ उसमें ना ऑल टेरेन टायर्स डलवा लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेंगे। तो उसमें देखते हैं क्या ऑप्शन रखे, ऑल टेरेन वाले डलवाएं या नॉर्मल वाले डलवाएं। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे ऑल टेरेन डलवाने चाहिए। और एक और चीज है, मैं ना आफ्टर मार्केट अलॉयज देखना चाहती हूँ, क्या पता कोई अच्छा डिजाइन मिल जाए। तो ये दो चीजों में कंफ्यूजन है, या तो मैं 18 इंच वाले डलवाऊंगी टॉप मॉडल वाले, या फिर एक बार अगर मुझे कोई आफ्टर मार्केट अलॉय बहुत ज्यादा अच्छा पसंद आ गया तो वो भी डलवा सकती हूँ। क्योंकि जैसे ग्रैंड विटारा में मैंने डलवाया था, वो वाला जो अलॉय था ना बहुत प्यारा लग रहा था, तो ऐसा कुछ मिल गया ना तो वो भी डलवा सकती हूँ। तो पहले जाके ना एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आफ्टर मार्केट वाला डलवाएंगे या ये वाला डलवाएंगे, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। निको भैया, आपके पास कौन से अलॉयज अवेलेबल है और इसमें डालने कौन से चाहिए आपके हिसाब से? अपने पास 17 इंच भी इसका अवेलेबल है, 18 इंच भी अवेलेबल है, आउटर मार्केट ले तो वो भी अवेलेबल है, उसमें 18-20 जो भी लगेगा वो लगाना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। तो आपके हिसाब से कौन से डलवाएं? 18 लगवा लो ओरिजिनल कंपनी का। चलो देखते हैं एक बार, आफ्टर मार्केट भी दिखाते हैं, जो ज्यादा सुंदर लगेगा वही डलवा लेंगे फिर। वैसे एक चीज है, अगर मैं 17 इंच वाले अलॉय व्हील्स डलवाऊंगी ना तो मेरी कॉस्ट काफी सेव हो जाएगी, क्योंकि इसी टायर में डल जाएंगे। बट मेरे हिसाब से ना 17 इंच के अलॉय व्हील्स इतनी बड़ी गाड़ी पे ना वो ग्रेस नहीं देते, मजा नहीं आता। तो एटलीस्ट 18 इंच तो होने ही चाहिए, 18 इंच एटलीस्ट होने चाहिए, वरना 20-22 तो इसमें ना कहर डाएंगे। चलो वो तो एक अलग बात है, देखते हैं वहाँ पे जाके ना, वैरायटी पे डिपेंड करता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे मिल गया ना तो हो सकता है मैं 20 इंच डलवा लूँगी, इससे ऊपर तो नहीं जाऊँगी। बाकी एक 18 इंच वाला जो ऑप्शन है टॉप मॉडल ऑटोमेटिक वाला, वो तो आप लोगों ने सब लोगों ने सजेस्ट किया ही है, तो वो तो एक प्राइमरी ऑप्शन है ही। उससे बेटर कुछ सुंदर अगर मुझे दिख गया ना तो वो भी कंसिडर कर सकती हूँ। यार ऐसा करो, ओरिजिनल वाले तो पहले दिखा दो, बाद में डिसाइड करेंगे। ये 17 इंची लाए और 18 इंची दोनों लाए। चलो बहुत जल्दी आ गया, और डब्बा पैक है। दोनों में क्या फर्क है वैसे प्राइसिंग का? प्राइसिंग में दोनों का चारों अलॉय व्हील का डिफरेंस समथिंग 8000 रुपए का डिफरेंस, मतलब चारों मिला के ना, चारों मिला के ठीक है फिर, एक तो का नहीं चारों का ठीक है। और 17 इंची 18 इंची दोनों डब्बा पैक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सस्ता रहता है जो सेकंड हैंड, जैसे कोई 17 इंची उतरवा दिए तो सस्ता मिल जाते हैं, लेकिन अभी डब्बा पैक है तो जो कंपनी से आता है उसे नहीं, उससे कम रेट में ही हमारे पास मिलेगा। ये 17 का है, ये उल्टा खोल दिया लोहे, अब आई ना बात लोहे वाली। ये अपना 17 इंची वाला है, ठीक है। इसका कैप रहता है साथ में आता है, ये आप 18 इंच वाला। यार देखो ना, तो बहुत ज्यादा दोनों के डिजाइन में डिफरेंस नहीं है, बस इसकी जो ये लाइंस है ना ये स्ट्रेट है, ये थोड़ी सी कर्व्ड है। अभी साथ में आप देख लेना, अभी साथ में बिल्कुल पड़े होंगे, तो ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी ट्विस्टेड जा रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिजाइन में। अगर लगवाएंगे ना कंपनी वाला तो 18 इंच वाला ही लगवाएंगे। इनों को टायर चेंज नहीं कराना है, जैसे स्टॉक टायर में लगाना है तो आप 17 इंची वाला का डिजाइन भी अच्छा है, नहीं कि खराब है, ठीक है, आप इसमें लगवा सकते हो स्टॉक टायर में ये 17 इंची। और जिनको थोड़ा हाइट बढ़ाना है तो 18 इंची भी जा सकते हो, और जिनको ये दोनों में अगर डिजाइन नहीं पसंद है तो आफ्टर मार्केट में भी जा सकते हो। एक बार हम आफ्टर मार्केट भी जाके देख आते हैं, बाकी दोनों ये अलॉयज भी सुंदर है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये अगर कोई 17 इंच वाला, जिसका बजट कम है तो वो 17 इंच वाला लगवा सकता है, क्योंकि फिर टायर चेंज नहीं करवाना पड़ेगा ना, उसी में ये अलॉय लग जाएगा। और ये चीज भी अच्छी है कि दोनों में ना सिर्फ 8000 का ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये देखो भाई, हम यहाँ पे अलॉयज के समुद्र में आ चुके हैं, बहुत सारे अलॉयज है, अलग अलग साइजेस के अलॉयज है। अब जो मेन काम बचा है इसमें से सिलेक्शन, अगर हमें कुछ जचता है तो फिर आपको बताएंगे। ओरिजिनल आपको दिखाई चुके हैं, बाकी इतने 17, 18, 20, 22 जो भी लगाने आप देख सकते हो। यार ये वाला देखो, ये ना नया अलॉय आया है 20 इंच में, देखो यार बहुत ज्यादा सुंदर है। जो फ्यूल कॉन्ट्रा वाला आ रहा ना वो ये है, जो हमने ग्रैंड विटारा में लगवाया था वो ये वाला है, तो दोनों का मिक्सचर है ये वाला डिजाइन। और ये ना ग्लॉसी में है, बाकी दोनों अलॉयज अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा मैट है, वो वाला तो पूरा ही मैट है जो हमने ग्रैंड विटारा में लगवाया था। कंप्लीट ग्लॉस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और इसके अलावा एक अलॉय और है जो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा, वो ये वाला है। बट द प्रॉब्लम इज, ये दोनों अलॉय सुंदर तो बहुत है लेकिन 20 इंच में, पहली बात तो शायद मैं इतना आप जाना नहीं चाहती, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मुझे ये लगवाना भी है ना, चलो सुंदर बहुत ज़्यादा है, एक बार लगवा भी दिया तो इसको लगवाने के लिए PCD कन्वर्टर लगवाना पड़ेगा, उसके बाद नई गाड़ी में बबलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि ना लगवाऊँ। बाकी एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगा तो लगवा भी दे सकते हैं। स्कॉर्पियो में ना PCD का बड़ा रोल है, क्योंकि ये 114 PCD वाले हैं और वो है 139 PCD, तो उसको कन्वर्टर लगा के ही लगाया जा सकता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आप स्कॉर्पियो एंड में अलॉय व्हील ऑटो मार्केट लगवाते हो तो PCD कन्वर्टर लगाना पड़ता है, और इसमें क्या होता है, लगवाने के बाद ना गाड़ी बबलिंग करता ही करता है,
जो मजा ओरिजिनल अलॉय व्हील के साथ चलाने में गाड़ी का फीलिंग आता है वो आउटर मार्केट में नहीं आता है। आउटर मार्केट वाला ऑप्शन है मैं ऑलरेडी कैंसिल कर चुकी हूँ, क्योंकि उसको लगवाने के लिए ना पीसीटी कन्वर्टर लगवाना पड़ेगा, जिसके बाद ना वो ड्राइव में मजा नहीं आता, बबलिंग होती है टायर्स में, हर कोई मुझे यही सजेस्ट कर रहा है, तो इसीलिए वो मैं कैंसिल कर चुकी हूँ। और इसके साथ साथ एक और रीजन ये भी है कि मैंने सारी की सारी चीजें ना महिंद्रा जेन्युइन वाली ही लगाई है, तो वो वाले अलॉयज लगवाने के बाद ना प्रॉपर टॉप मॉडल बन जाएगा। अब अगर हम 18 इंच वाले ऑटोमेटिक वाले जो स्कॉर्पियन में टॉप मॉडल में अलॉयज आते हैं वो लगवाते हैं तो हमें बट ऑब्वियस है टायर्स भी चेंज करवाने पड़ेंगे। तो टायर चेंज करवाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये थार में जो आता है, दूसरा ये वाला आप देख सकते हो। पहली बात तो ये दोनों के दोनों ही MRF के टायर्स हैं, ये आप देख सकते हो, इनकी टायर प्रोफाइल आपको बता देती हूँ। ये वाला है 255/65R18 और ये वाला है 255/60R18। ये 65 है, ये 60 है, और ये आप देख सकते हो कितना मोटा चौड़ा बढ़िया सा अच्छा सा टायर लग रहा है। ये है ऑल टेरेन वाला और ये है हाईवे टेरेन। अब जो हाईवे टेरेन टायर होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वेयर एज ये वाला जो टायर होता है ना ऑल टेरेन के लिए होता है, हर एक टेरेन में आप इसको ले जा सकते हो। थार में आपने देखा ही होगा, इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड करते हैं। और देखो ये वाला टायर ना देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। अब ये वाला जो टायर है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है और ये वाला थोड़ा सा स्टिफ है। वैसे अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहो ना, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई ऐसी तगड़ी सी स्कॉर्पियो टाइप्स गाड़ी है ना, आपको डेफिनेटली ऑल टेरेन टायर्स डलवा लेनी चाहिए, बहुत ही बेटर ऑप्शन है। फिर कहीं भी अगर आप इसको घुमाने भी ले जाते हो, थोड़ा बहुत आपने स्नो वगैरह में भी ले गए ना, तो टेंशन की बात इतनी नहीं रहती है। चलो आपके हिसाब से कौन से लगवानी चाहिए दोनों में से? ये वाला देखने में अच्छा लग रहा है, ग्रिप भी है, लो भाई अपनी स्कॉर्पियन बाहर से भी खुलनी चालू हो गई है। ये वाला जो टायर है 17 इंच वाला ये निकाल दिया है, और मैं ना सोच रही हूँ इसके जो कैलिबर्स है ना उसको भी रेड पेंट करवा लूँ, बहुत सुंदर लगते हैं मुझे, सिर्फ एक रेड कलर में ही सबसे बेस्ट लगते हैं, तो वही करवाऊंगी। ये देखो भाई अलॉय में ना टायर लग के आ गया, कितना प्यारा लग रहा है। पहले आपने देखा होगा कि ब्लू स्टिकरिंग थी, ये व्हाइट हो गई है, ओरिजिनल व्हाइट ही आती है, बहुत सुंदर लग रहा है टायर ना, काफी मैसिव लग रहा है। अभी बस इसको लगवाते हैं, लगा हुआ दिखाती हूँ कितना सुंदर लगेगा। तो भाई अपनी गाड़ी पे अलॉय लग गया और यहाँ पे कैलिबर्स भी रेड हो गए, देखो यार कितना सुंदर लग रहा है। और एक बार ना दोनों टायर्स में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, कितना छोटा सा लग रहा है उसके सामने। यार वैसे तो अपनों ने ना इसमें 18 इंच टायर डलवाया है, बट ये ऑल टेरेन है ना थोड़ा सा मोटा होता है। एक बार ना मैं काट के दिखा देती हूँ गाड़ी स्टार्ट करके, कोई दिक्कत ना आए। यार हमने ना इसको प्रॉपर्ली काट के देख लिया है, कहीं पे भी टच नहीं हो रहे हैं ना आगे से ना पीछे से। और लास्ट वीडियो में ना ये चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये जो ट्वीटर्स है यहाँ पे फिट हो गए हैं, इससे ना हमारी कॉस्ट भी सेव हो गई क्योंकि ट्वीटर्स ऐसे में खरीदने नहीं पड़े। और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहे हैं क्योंकि ये ट्वीटर्स जो है ना इस पर सोनी की ब्रांडिंग है, सेंटर में गोल्डन सी लाइन है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। यार एक तो मैंने गाड़ी में इतने सारे काम कराए ना कि कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताना ही भूल जाती हूँ। मैंने ना गाड़ी में रियर वाइपर तो आपको दिखा दिया था, मैंने वॉशर भी लगवाया है, वही आपको नहीं दिखाया। एक बार ऑन करना, ये देखो ये भी प्रॉपर्ली वर्किंग है, ये तो ऐसा लग रहा है छोटा सा झंडा बह रहा पूरा। और ये देखो यहाँ पे ना कैलिबर्स रेड हो रहे हैं। यार एक तो ना काली गाड़ी है, रेड कैलिबर्स बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, और मेरे हिसाब से ना रेड कैलिबर्स हर गाड़ी पे सूट करते हैं। तो ये देखो भाई बैठी हुई गाड़ी में दोनों के दोनों आप खुद देख सकते हो, ये तो अपनी गाड़ी में ऑलरेडी आते हैं, और ये जो अभी हमने डलवाए हैं कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये जो व्हाइट अल्फाबेट्स है ना ये कुछ अलग ही ग्रेस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी पूरी काली है, उसके ऊपर से रेड कैलिबर्स है, इतने सुंदर टायर्स है, तो ग्रेसफुल बहुत लग रहे हैं। अभी जैसे हमने तो अपनी गाड़ी में अलॉयज और टायर्स दोनों चेंज करवा लिए, तो ये जो पुराने वाले रिम्स पड़े हुए हैं इसका क्या होना है? एक्सचेंज हो जाता है, जैसे आपकी गाड़ी में 18 इंच लग गया है, 17 इंच लग के आता है, तो ये तो कोई नीड नहीं है कि आप ले जाके क्या करोगे इसको, तो अपना सेल हो जाता है। जो अच्छा। डिफरेंस थोड़ा बहुत लगता है, जैसे हम 18 लिए उसमें देना पैसे पे करना, बाकी हो जाता है डिफरेंस हो जाता है। और जिनको लेके जाना है, जैसे आप कोई और गाड़ी है किसी गाड़ी में आपको, तो आप ले जा सकते हो अपने साथ, आपकी मर्जी है। वैसे इसकी कॉस्ट माइनस हो जाती है, इसकी कॉस्ट माइनस हो जाती है, ठीक है। और जितनी गाड़ी, ये नहीं कि एक्सचेंज होता है, जितनी गाड़ी चलता है किलोमीटर के हिसाब जितना चलता है तो उतना पैसे लेस करके एक्सचेंज होते हैं। ये नहीं कि नए के भाव में हो जाए, जैसे अभी ये नई गाड़ी का है तो नए के भाव में लेस होगा, और जो पुराने गाड़ी थोड़ा चला होगा तो उसको थोड़े पैसे काट के लेस होगा। ये जो इतने सुंदर हमने अलॉयज लगाए हैं ये सब तो ठीक है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है इसकी? जैसे आपके इसमें अपोलो का 17 इंची टायर लग के आया था, हमें एक्सचेंज करके MRF का टायर डाल दिया थार वाला, और अलॉय भी लगा के एक्सचेंज करके आपको टायर और अलॉय भी लगा के 68,000 का। हाँ, स्टॉक के ऊपर होता है, कभी कभी क्या होता है स्टॉक अलाई मिलने जाता है, तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, कभी इतना स्टॉक रहता है कि प्राइस 2-4 हज़ार में नीचे भी आ सकता है, तो अवेलेबिलिटी पे। हाँ, क्योंकि इससे पहले जैसे 17 इंची का लाई हमारे पास बहुत सारे स्टॉक में था, तो हमने एक वीडियो में ऐसे भी 40-42 हज़ार का डाला था। जब से Z2 बिकने लगा तब से ना सेल बहुत है इसका, तो स्टॉक तार में 17 इंची लगा लेते हैं, तो अभी 17 इंची का भी अलाई का रेट 57,000 हो चुका है। ओके,
ठीक है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट है कि क्या प्राइस रहने वाला है। अब यार आप खुद देख सकते हो कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, 18 इंच के टायर हो गए हैं, एक साइज अपग्रेड हो गया है, उसके ऊपर से इतने सुंदर अलॉय व्हील्स लगवा लिए टॉप मॉडल वाले, तो एकदम टॉप मॉडल भी बन गई है गाड़ी। रेड कैलिबर्स भी हमने करवा लिए हैं। तो ये वाले जो अलॉयज है ना, पुराने वाले टायर्स एक्सचेंज करके मुझे 68,000 के पड़ गए हैं। वेयर एज अगर आप 17 इंच वाला अलॉय लेते हो, क्योंकि टायर तो 17 इंच वाला वही रहना है जो आपकी गाड़ी में आता है, सिर्फ वो लेते हो तो वो आपको 57,000 का पड़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से 68,000 वाली ना डील मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है ऑल टेरेन टायर्स भी हो गए हैं, इतने चौड़े चौड़े सुंदर सुंदर भी लगते हैं, और ना कहीं भी ले जाते टाइम आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इजीली कहीं भी इसको लेके जा सकते हो, क्योंकि इनकी ग्रिप भी बहुत ज़्यादा बेटर होती है।